हाँ यार वहाँ पे कितना मज़ा आया था वैसे, है ना। तो मुझे एक बात वैसे बताओ, तो मुझे एक बात याद आ गई है, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम अपने घर में बात करो, तो तुमने बात की कि नहीं? मुझे याद है तुमने मुझे कहा था घर बात करो, लेकिन मैं अभी तक उनसे घर बात नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनसे क्या बात करूँ। यार सजल देखो, मेरे घर वाले ना मतलब रोज़ यही बात चल रही होती है कि यार अभी तुम्हारी स्टडीज़ ख़त्म होने वाली हैं तो तुम्हारी शादी कोई लड़की देखनी है। तो जहाँ तक मेरी बात है, मैंने मतलब 3 साल अगर तुम्हारे साथ गुजारे हैं तो मैंने तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करनी। यार नुमान देखो, तुम्हारी बात ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ मैं अपने घर वालों से कैसे बात करूँ। तुम्हें पता है कि मेरे अब्बू इस टाइम मुल्क से बाहर हैं, अगर वो यहाँ होते तो मैं उनको अब्बू अम्मी को पास साथ बिठा कर फिर उन्हें समझा सकती कुछ। मुझे तुम्हारे स्मोकिंग करने से कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों को मसला होगा। यार ठीक है, माना कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, लेकिन 3 साल पहले हमारा जब रिलेशन स्टार्ट हुआ था तुम्हें पता था कि यार मैं स्मोकिंग करता हूँ, तो उस वक्त सोचना चाहिए था कि यार मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो मतलब अब 3 साल गुजर गए हैं यार, मेरा तो कोई इरादा नहीं है तुम्हारे बिना रहने का, तो मतलब तुम्हें बात तो करनी पड़ेगी। या फिर बताओ और हम क्या कर सकते हैं। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो यार, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हाँ सलीम, हाँ बस मैं पहुँचता हूँ 20 मिनट तक में। हाँ मैं आता हूँ फिर देखते हैं। ओके यार चलो फिर चलते हैं, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ तो हम बात करते हैं इस बारे में फिर। यार कितनी कॉल्स की हैं मैंने तुम्हें, तुमने मेरी ये कॉल भी नहीं उठाई, ऊपर से तुम बिजी किए जा रही हो नंबर। क्लास में थी ना, तो क्लास में थी, क्लास मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी अब तुम्हारे लिए। सर देख रहे थे ना। तो सर देख रहे थे तो यार पहले भी तो ऐसा होता था, पहले तो तुम मेरी कॉल डिक्लाइन नहीं करती थी कभी। अच्छा छोड़ो, मैंने एक बात सोची है ना। कैसी बात? मैं सोच रहा था ना कि घर वाले मेरे जो हैं वो मतलब कल मैंने तुमसे बात की थी वैसे, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं हमें करनी है तुम्हारी शादी अभी से, तो मैंने सोचा कि हम दोनों जाके कोर्ट मैरिज कर लेते। देखो यार तुमने बोला था कि यार मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारा साथ दूँगी, तो मतलब अभी जब टाइम आया तो तुम चलो मेरे साथ बस। मैंने कहा था लेकिन कोर्ट मैरिज। हाँ तो क्या तुम नहीं चाहती मुझसे शादी करना? चाहती हूँ शादी करना, लेकिन हम इंतजार कर लेते हैं। नहीं मुझसे मेरे घर वाले नहीं इंतजार कर रहे, तुम मुझे बताओ, शाम को मैं कॉल करूँगा तुम्हें, मुझे बताओ जो भी तुम्हारा डिसीजन है, उसके बाद अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मेरा तुम्हारे से कोई रिलेशन नहीं है। नुमान बात तो सुनो। हेलो अदीना, किधर हो यार? यार प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। नहीं यार मुझे नहीं पता, प्लीज़ अभी आओ, जल्दी आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। यार अदीना मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बताओ। यार तुम्हें पता है आज तुम यूनिवर्सिटी को आया था नुमान? हाँ क्या हुआ? उसने मुझसे ऐसी बात की है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या बोला है उसने ऐसा? उसने मुझसे कोर्ट मैरिज की बात की। क्या कोर्ट मैरिज? क्यों? उसके घर वाले नहीं मान रहे और उसने कहा हम भाग जाते हैं। घर वाले नहीं मान रहे और तुम कोर्ट मैरिज के लिए मान गए? तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? मेरे घर वाले नहीं मानेंगे लेकिन मैं क्या करूँ। और तुम्हें लगता है नुमान अच्छा लड़का है?
मुझे पता है वो कैसा है, वो शादी के बाद ठीक हो जाएगा। क्या मतलब ठीक हो जाएगा? ड्रामे देख देख कर तुम पागल हो गई हो सजल। कोई ठीक नहीं होता शादी के बाद। वो ड्रामा देखा है ना रूपोश, उसमें भी सेम यही सिचुएशन होता है, लड़का ठीक होता है आखिर में, नहीं होता। और ये ड्रामा नहीं है, रियल लाइफ है सजल। सोच लो शादी के बाद डाइवोर्स की नौबत आएगी। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे वो पसंद है। सोच समझ के फैसला करो सजल, तुम्हारी ज़िंदगी है ये, कोई मजाक नहीं है। मेरा काम था तुम्हें समझाना बताना, बाकी तुम अच्छे समझ सकती हो, बेहतर समझती हो तुम। सोच के फैसला लो। यार हाँ सब, बड़ी टेंशन है एक। यार क्या हुआ जानी फिर तुझे? यार मसला ये है कि वो लड़की नहीं है सजल, हाँ हाँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ, हाँ हाँ, तेरी गर्लफ्रेंड, हाँ, तो मसला ये बना हुआ है कि ना तो उसके घर वाले कोई सीधी बात कर रहे हैं, ना मेरे घर वाले सीधी बात कर रहे हैं। जानी भगा के ले जाना उसको, कोर्ट मैरिज कर ले। कोर्ट मैरिज किस मस्त की दवा है? यही तो बोला है खान साहब, उसे मैंने बोला है, मैंने कहा शाम तक मुझे बताओ, नहीं तो मेरा और तुम्हारा रिलेशन ख़त्म। साफ साफ उसको बोलोगे भाई शादी करनी है, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, भगा के ले जाओ। बस खान जी देखता हूँ, वही इंतज़ार कर रहा हूँ उसकी कॉल का। छोड़ो इन सब चीज़ों को जानी, मैं तुझे सिगरेट पिलाता हूँ, तेरी टेंशन मैं भी भगाता हूँ। बस बनाओ जी खान जी, कसम से बड़ी टेंशन है आज। यार बस फंस गया था थोड़ा, ट्रेन आने वाली है, बस चलते हैं।
मेरी बेटी, इस वक्त तुम मेरी जिंदगी में वाहिद खूबसूरत चीज हो। अगर तुम भी ना होती तो मेरा क्या होता? जो ख्वाब कल मैंने अपने लिए देखे थे, आज वो मैं तमाम ख्वाब तुम्हारे लिए देख रही हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपनी माँ की तरह ना बनो, बल्कि एक बहादुर और खुद मुख्तार लड़की बनो। नुमान, वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो मैं सोच रही थी कि मैं सारा दिन घर बोर होती रहती हूँ तो जॉब स्टार्ट कर दूँ। क्यों, ऐसी भी क्या आफत आ गई कि आपको जॉब करनी पड़ रही? मैं घर में बोर होती रहती हूँ, अकेली होती हूँ सारा दिन। तो घर के काम करो ना, माँ है मेरी, उसको देखो, उसको संभालो। मान, आपको क्या हो गया? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। आपको मेरे जॉब करने से मसला है, मेरे बाहर जाने से मसला है, मेरी जीन्स पहनने से मसला है, हर चीज़ से मसला है। शरीफ घराने की लड़कियां ना तो जीन्स पहनती हैं, ना तो जॉब करती हैं, ना घर से बाहर जाती हैं। उनका काम घर में होता है और घर को संभालना होता है। तुम्हें क्यों नहीं ये बात समझ आती? खैर छोड़ो, मुझे भूख लगी है, जाओ खाना लेके आओ मेरे लिए। ये क्या बना है? बिरयानी। इसे बिरयानी कहते हैं? क्यों, क्या हुआ? इसे खुद ही तुम खाओ, खाना तो तुमसे बनता नहीं है। तुम कहती हो मैं जॉब करने चली हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। पहले खाना बनाना सीखो तुम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इतनी काबिल-ए-रहम हो जाएगी। मुझे इस शख्स के लिए घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मैंने बहुत जुल्म सह लिया। अब मुझे अलाइना को इस दलदल से निकालना होगा। कहीं नौमान नशे की हालत में इसको भी कोई नुकसान न पहुंचा दे।